नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। उत्तर प्रदेश के 825 ब्लॉक प्रमुखों के पदों के लिए नामांकन हुआ। 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए गए। वहीं आयोग से मिली जानकारी के अनुसार नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवार के साथ एक उसका प्रस्तावक और एक अनुमोदक सहायक निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में अपने नामांकन पत्र लेकर गए थे। इसी को लेकर बाराबंकी में भी हमारे संवाददाता ने भी नामांकन स्थल का जायजा लिया है। देवा ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र सिंह जमवासी के ऊपर भरोसा जताया है। भाजपा के टिकट पे आज इन्होंने नामांकन किया है। हम इनसे जानेंगे कि क्या प्राथमिकता रहेगी। धर्मेंद्र जी, अगर आप जीतते हैं तो सबसे पहले देवा ब्लॉक के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? हम चुनाव जीतेंगे, 100% जीतेंगे जी। विकास हमारा मुद्दा होगा जी। लोगों का सबका साथ भारतीय जनता पार्टी का नारा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सम्मान जी। इन नीतियों पर विकास एजेंडा बात हुई। अगर आप देवा के ब्लॉक प्रमुख के पद पे होते, देवा के अंदर क्या बदलाव लाएंगे? बहुत सारी चीजें हैं, इससे पहले समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख थे, बहुत सारे काम नहीं हुए हैं, उनको किस तरीके से देखते हैं? उनके क्षेत्र की समस्याओं को सुनेंगे, देखेंगे, उसका काम। अभी पूर्व में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ है, लमसम भाजपा ने बाजी मारी है, लेकिन विपक्ष लगातार आवाजें उठा रहा है कि प्रशासन ने और भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी से चुनाव जीता है। तो इस बार आप भी भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना है कि अगर विपक्ष को किस तरीके से देखते हैं, कैसे चुनाव जीते? 2015 में जैसे जीते थे ना जी, उसको पहले याद करें। उसके बाद दूसरी बात, यहाँ से बबरी गाँव से दिनेश ने और आपके बीच टक्कर मानी जा रही है, कैसे देखते हैं दिनेश को अपने सामने? कोई चक्कर भाई नहीं जी, चक्कर का मतलब 100% जीतेंगे और हमारे पास सदस्य हैं समर्थन। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ब्लॉक प्रमुख पद के दावेदार धर्मेंद्र सिंह जमवासी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो भाजपा ब्लॉक प्रमुख है वो हम ही बनेंगे, और अगर हम बनते हैं तो क्षेत्र के अंदर काफ़ी विकास होगा। जो प्रधान हैं या जो BDC हैं उनको बुला के पहले उनकी समस्याएँ सुनेंगे, फिर उसी आधार पर हम विकास के लिए काम करेंगे। कैमरामैन अनुराग के साथ रिहानवार। आज देवा ब्लॉक के अंदर ब्लॉक प्रमुख पद का नामांकन होना है। आप देख सकते हैं भाजपा प्रत्याशी नामांकन करने पहुंचे हैं और साफ तौर पे देखा जा सकता है कोरोना गाइडलाइंस की धक्के उड़ाई जा रही है। धर्मेंद्र जी, कोरोना का समय चल रहा है और साफ तौर पे कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बिना मास्क के जो समर्थक भी हैं वो भी बिना मास्क के हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो साफ तौर पे देखा जा सकता है जो ब्लॉक प्रमुख पद के दावेदार हैं वो कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। फिलहाल के लिए इतना ही। तेजना की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।